हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग। वेल, आज हम लोग हिंदी ग्रामर में चैप्टर 17 देखेंगे, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग इसके पहले वाले चैप्टर, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लास्ट चैप्टर जो हिंदी ग्रामर में हुआ था वो चैप्टर 14 विराम चिन्ह ना, तो मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से उसको कर लिए होंगे। और यदि किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोग को मालूम है कि शायद चैप्टर 17 ही हम लोग का हाफयरली पोर्शन, हाफयरली एग्जाम में आने वाला है। ओनली 17 चैप्टर तक, सिर्फ 17 ही हाफयरली का ही लास्ट चैप्टर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कि विलोम शब्द किसको बोलेंगे, ठीक है। विलोम इंग्लिश में बोले तो अपोजिट। हर एक शब्द का कुछ उल्टा अर्थ भी होता है, होता है ना। विलोम अर्थ विपरीत अर्थ वाले शब्द कह सकते हो, एक दूसरे से उल्टा अर्थ रखता हो ना, उसको क्या कहते हैं, विलोम शब्द या विरुद्ध धार्थी शब्द। यहाँ दिया गया है विलोम शब्द या विरुद्ध धार्थी शब्द, एंटोनिम्स। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, खुश, हैप्पी, प्रसन्न। प्रसन्न का विलोम शब्द क्या हो सकता है, उसका उल्टा अर्थ क्या हो सकता है। खुश नाखुश है, प्रसन्न अप्रसन्न है, यही ना, उदास। तो नीचे कुछ विलोम शब्द की सूची दी गई है, आप ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल में दिया है उसर, उसर, उसर मतलब क्या, और यहाँ उर्वर, देख रहे हैं ना, उसर और उर्वर। उसर किसको कहते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ खेती बहुत अच्छे से हुआ है, इसको उसर बोलते हैं। जिस मिट्टी में, जिस खेती में अच्छे से फसल लगती है उसको उसर। और यहाँ देख रहे हैं बंजर, बिल्कुल वीरान लग रहा है, सुनसान, एक भी किसी चीज़ का प्लांट यहाँ पर नहीं है, तो आप इसको उर्वर कहते हैं। कैसे कह सकते हो, उर्वर। अधिक, यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी बहुत, अल्प, अधिक अल्प, मतलब जब एक शब्द दूसरे से उल्टा, एक दूसरे से उल्टा विलोम अर्थ प्रकट करता हो तो उसको विलोम शब्द कहते हैं। नहीं, यहां देखेंगे आप, अगला का पिछला होता है विलोम शब्द, निर्माण विनाश, अंधेरा उजाला, दिन रात, जन्म मृत्यु, हानि लाभ, राजा रंक, नहीं, अनिवार्य ऐच्छिक, अनिवार्य मतलब जरूरी, ऐच्छिक मतलब आपकी मर्जी, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन हाँ अनिवार्य मतलब करना ही पड़ेगा। उत्थान पतन, आगे बढ़ना, उत्थान पतन, नीचे चले जाना, बर्बाद हो जाना। लाभदायक हानिकारक, नहीं, इंसान हैवान, विविधता, एकता, अंधकार, प्रकाश, अंदर बाहर, आकाश पाताल, गुण दोष आदि, अंत, ऊंचा नीचा, उग्र शांत, उदार कृपण, उदार होना किसी को भलाई, कठोर होना कृपण, अमीर गरीब, गिरफ्तारी रिहाई, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं यहाँ पर,
आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कि विलोम शब्द कैसे बनाते हैं, इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। विलोम शब्द बनाने के लिए हम लोग कुछ शब्द जैसे अ लगाकर, अन लगाकर, नहीं अप लगाकर, औ ना परा वी लगाकर बना सकते हैं। जैसे ज्ञान, ज्ञान के पहले अ लगा दीजिए। अ क्या है? उपसर्ग कहते हैं ना, उपसर्ग प्रत्यय आपको पता है। शब्द के पहले जब लगता है उसको उपसर्ग, और शब्द के बाद में जब कोई अक्षर लगता हो मात्रा के साथ या बिना मात्रा में भी, तो उसको बाद वाले को प्रत्यय और पहले वाले को क्या कहते हैं? उपसर्ग। तो ज्ञान में क्या लग गया? अ, तो क्या बन गया? अज्ञान। तो विलोम शब्द हो गया ना, ज्ञान पढ़ा लिखा, अज्ञान मूर्ख बेवकूफ। सूर, असुर, यहां हम लोग देख रहे हैं कि सब में अ लगा हुआ है, नहीं पक्ष के पहले क्या लगा हुआ? वी, विपक्ष। यहां देख रहे थे ना हम लोग, वी भी लगाकर विलोम शब्द बनाते हैं। परा लगाकर, कहां है परा? जैसे आप यहां देख सकते हैं, स्वतंत्र, परतंत्र, पर लगा हुआ है, नहीं क्या लगा हुआ है? पर। स्वतंत्र में क्या लग गया? पर, परतंत्र। अप लगाकर, अप में देख सकते हैं कृति, अपकृति। अव लगाकर, काव कहां लगा हुआ देख सकते हैं आप? मूल्यन, अवमूल्यन, नहीं शिक्षित, अशिक्षित, स्वीकार, अस्वीकार, समझ, ना समझ, ना लगाना, शुभ, अशुभ, न्याय, अन्याय, ना। तो कुछ विलोम शब्द अ, अन, अप, औ, ना, पर, वी लगाकर भी बनाते हैं। उपसर्ग बदलने से बनने वाले विलोम, उपसर्ग बदलने से, उपसर्ग जैसे कि ज्ञान, अज्ञान, आदान, प्रदान, चेंज कर दिए, उपसर्ग को बदल दिए, नहीं आ था तो प्र कर दिए, ना उत तो अप कर दिए, उत्कर्ष में अपकर्ष। यहाँ उपसर्ग उ था, उ आधा त, लेकिन यहाँ क्या कर दिए हम लोग? वो को चेंज कर दिए, बदल दिए, अप कर दिए, स्व को पर कर दिए, स्व को पर, स्वतंत्र, परतंत्र, स्वदेश, परदेश। संयोग, संग को क्या कर दिए? वी कर दिए, वी चेंज कर दिए उपसर्ग को, वियोग। सदा को दुरा, स दु, सदाचार, दुराचार। तो उपसर्ग बदलने से भी विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग विलोम शब्द को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और आप लोग को यहाँ पर कुछ कार्य पत्रक दिए गए हैं, आप ध्यानपूर्वक इसको करेंगे। आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो और बुक में भी कर सकते हो, ठीक है। ध्यान रहे, हम लोग का हाफयरली पोर्शन यहाँ पर ख़त्म होता है। हिंदी ग्रामर का ये आज हम लोग लास्ट चैप्टर 17 किए। अब हम लोग नेक्स्ट डे से रिवीजन करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है, इस बुक का। सिलेबस हम लोग का यहाँ ख़त्म होता है। और एक बात याद रखना,
कि यदि आप लोगों को अभी तक पढ़ाए गए चैप्टर में से किसी को डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं उसे क्लियर करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। प्लीज़ आप इसे करके मुझे दिखाएंगे, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है। धन्यवाद।